राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग जुटाने को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया पर अयोध्या के संतों ने नाराजगी जाहिर की है। महंत परमहंस दास ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अपने सिद्धांतों से भटकी शिवसेना पार्टी के सांसद ने बहुत ही गंदा बयान दिया है। कहा कि जन जागरण अभियान का प्रयास है कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी राम मंदिर निर्माण से जुड़े। जो 10 रुपए देना चाहते हैं वो अपनी क्षमता के हिसाब से दान देकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। उन सिद्धांतों से भटकी हुई शिवसेना पार्टी के एक सांसद ने बहुत ही एक गंदा बयान दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो विहिप और संघ का एक प्रयास है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति हैं, जो 1 रुपए देना चाहते हैं, 10 रुपए देना चाहते हैं, जो नहीं जानते हैं कि हम 1 रुपए किस तरह से जाके अकाउंट में दें, उनके घर में जा करके, कि जिससे सबको ये लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में हमारा भी सहयोग लगा है, लेकिन जहां इस कदम की सराहना होनी चाहिए वही जो है तो शिवसेना पार्टी के सांसद ने जो एक घिनौना बयान दिया है कि चंदा धंधा गंदा क्या है, इस तरह की बयानबाजी जो है। अब देश में 2 तरह की राजनीति है, एक देश हित की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी में है, और यही प्रत्यक्ष देखा जाता है। अगर कोई वंदे मातरम बोल दिया, भारत माता की जय बोल दिया, तो लोग समझते हैं कि भाजपा ही है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र ने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए बड़े बड़े करोड़पति लोग अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जन भावनाओं से बने, इसीलिए देश के हर वर्ग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सभी का समान सहभागिता बने, इसीलिए लोगों से उनकी क्षमता के मुताबिक दान देने के लिए अभियान चलाया गया है। राम लला के लिए चंदा की बात जो कहा है, उसका कहना ये है कि हम चाहते हैं कि छोटे से बड़े राम लला के साथ जुड़े, और इसमें पैसा देने वाले तो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, लेकिन उनका न लेकर के राम भक्तों को जोड़ने के प्रयास है। तो राम भक्त जोड़ने का जो विश्व हिंदू परिषद का ये प्रयास है कि हमारे छोटे हैं जो, इसीलिए 10 रुपये का और 100 रुपये का, 1000 रुपये का यह बना हुआ है कार्ड, और उसी कार्ड को दिया जाएगा, और उस पर यह लोग जो 10 रुपये देने वाले हैं वो भी भगवान राम से जुड़ जाएंगे, जो 100 रुपया देने की क्षमता रखते हैं वो भी भगवान राम से जुड़ जाएंगे। संतों के मुताबिक जिस उद्देश्य के लिए शिवसेना का गठन हुआ था, अब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है। शिवसेना राम मंदिर निर्माण में रोड़ा बनाने का कार्य कर रही है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा।